ऋषिकेश क्षेत्र में हुई चोरी की एक बड़ी घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें, ऋषिकेश कोतवाली और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा लगभग 12 लाख रुपए कीमत की चोरी किए गए आभूषणों के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट चुका है और वर्तमान में आरोपी जमानत में बाहर आया था। दरअसल ये पूरा मामला ऋषिकेश के विस्थापित कॉलोनी लकड़घाट रोड शामपुर क्षेत्र का है, जहां की निवासी सुप्रिया बिष्ट को 24 तारीख को अपने परिवार के साथ गंगोत्री उत्तरकाशी घूमने गई हुई थी। 25 तारीख को उनकी सहेली द्वारा उन्हें फोन पर सूचना दी गई कि उनके घर के ताले टूटे हुए हैं। जब उन्होंने वापस आकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने उनके घर से उनके और उनकी बहन के सोने के और हीरे के जेवर के साथ 5,000 उड़ा लिए थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि जांच के दौरान बाइक पर सवार दो संदिग्धों द्वारा वारदात को अंजाम दिया जाना सामने आया। पुलिस टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि घटना में जिस विक्रांता बाइक का इस्तेमाल किया गया है, ऐसी ही एक विक्रांता बाइक पूर्व में चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक के पास भी थी, जो हैदराबाद हरिद्वार जिले का रहने वाला है। जिसके बाद टीम ने हरिद्वार के पास से दो लोगों को घटना से चुराए गए 12 लाख रुपए के गहने और घटना को अंजाम देने के लिए उपयोग की गई बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।